विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आज कोटद्वार विधानसभा के वार्ड नंबर 27 जीवनानंदपुर में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत 139 लाख की लागत वाले नलकूप खनन और तत्सम संबंधी कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि बीते 3 वर्ष में उनके द्वारा कोटद्वार विधानसभा में यह 8वां नलकूप है। इस नलकूप से पूर्व भी लगातार पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसके आगे उन्होंने बताया कि महेंद्र नगर के इस नलकूप से आसपास के लगे सभी क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। नलकूप 3 से 4 माह के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी क्रम में ऋतु खंडूड़ी ने सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उन सभी लोगों की ताकत से ही संभव हो पाया है जो वह हर समस्या मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कोटद्वार से राजेंद्र खंडवाल की रिपोर्ट। पुर में आज हम लोगों ने एक नलकूप की शुरुआत की है। 1,54,39,39 लाख के करीबन इसकी लागत आएगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये नलकूप यहाँ पे आज इसका हम लोगों ने शुरुआत की है, शिलान्यास किया है। आज आप जैसे जानते हैं कोटद्वार इस समय बाबा सिद्ध बली बाबा मय हो रखा है, चारों तरफ बाबा की धूम है और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैंने ये नलकूप यहाँ पर इसका शिलान्यास रखा है। जितने भाई और बहनें यहाँ पर हैं उन्हें एक और अच्छी खबर देने चाहती हूँ। भारत सरकार ने केंद्र विद्यालय का सैंक्शन हमको दे दिया है, तो बहुत जल्दी कोटद्वार में केंद्र विद्यालय भी अब खुलेगा।